श्रावण मास के पावन महीने में पूरे देश से महादेव के लाखों भक्तों का पवित्र नगरी हरिद्वार में आगमन होता है। यहां से वे गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों पर स्थित शिव मंदिरों में उस जल से जलाभिषेक करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों जगह पर उनके लिए विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था लोगों द्वारा की जाती है, लेकिन हरिद्वार से निकलकर प्रथम पड़ाव पतंजलि योगपीठ में होता है, जहां गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पतंजलि परिवार की ओर से आदरणीय पद्मसेन बापूजी, माता प्रेमलता व उनके परिवार की ओर से भोलेनाथ के लाखों भक्तों के लिए सेवा शिविर लगाया गया है, जो शिवरात्रि तक चलेगा। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा अपनी गति पकड़ती है, अतः कल पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने स्वयं आकर सेवा कार्यों का अवलोकन किया। काल के भी महाकाल है, काल से रोग से मृत्यु से हमें बचाते हैं। शिव कालेश्वराय शिव कालेश्वराय। इस कांवड़ शिविर में पतंजलि के शुद्ध गाय के घी से ही भोजन बन रहा है। बापू पद्मसेन जी का परिवार स्वयं इन सब व्यवस्थाओं में लगा रहता है। इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, बापू पद्मसेन जी, माता प्रेमलता जी व उनके परिवार के सदस्यों ने स्वयं अपने हाथों से महादेव के भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणाम विप्रभा कदंब कुंकुमत्र व प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी सेवा शिविर में पतंजलि के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा कांवड़ियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है, जहां कांवड़िये प्राथमिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं।
वचन प्रवृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विभूषणांति पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट ज्योति श्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेष। कल शिविर में हजारों भोले के भक्तों ने यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण किया। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंचका।